तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संजीव आर्ट्स गैलरी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियलिस्टिक आइज़ और नोज़ कैसे ड्रॉ करें रेफरेंस से, कि आप रेफरेंस पिक देख के और रियलिस्टिक आइज़ नोज़ किस तरह से ड्रॉ करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी रेफरेंस पिक, हम विराट कोहली की आइज़ और नोज़ ड्रॉ करेंगे रियलिस्टिक। और आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी पिक लो, वो जूम इन और जूम आउट होने पे मतलब फटे ना, उसके पिक्सल अच्छे हों। और ड्रॉ करने से पहले आप उसे ब्लैक एंड वाइट कर लें, और ब्लैक एंड वाइट करने से वो ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ होती है। मैंने यहाँ ब्लैक एंड वाइट करी हुई है फ़ोटो, मैं आपको जूम आउट भी करके दिखा देता हूँ कि जूम करने पर पिक्सल फट रहे हैं या नहीं फट रहे। तो अब हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी बुक आ गई जिसमें मैं ड्रॉ करता हूँ, तो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आपको अपने हिसाब से पिक को ज़ूम कर लेना है कि जितना बड़ा आपको ड्रॉ करना है मेजर करके। जैसे मेरी यहाँ A4 सीट है, मैंने A4 सीट के अकॉर्डिंग इसे ज़ूम कर लिया है। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है जो नोज़ के बीच में होती है, हेड के बीच में, और एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन पे हम आइज़ ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन पे हम नोज़ ड्रॉ करेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको दोनों लाइन जो ड्रॉ करी है आपने, उनके सेंटर जो पॉइंट होगा वो हमारे दोनों आइज़ के बीच का सेंटर पॉइंट होगा, और दोनों आइज़ के बीच का जो गैप है वही हमारी नोज़ का गैप होता है। जितनी हमारी एक आइज़ होती है उतनी हमारी दूसरी होती है, और दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमारी एक आइज़ के जितना गैप होता है। तो अब हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमने नोज़ और आइज़ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे 2B की पेंसिल से इन्हें डार्क कर लेंगे। तो मैं इन्हें डार्क कर लेता हूँ। डार्क करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो डार्क पार्ट है उनको बिल्कुल हल्के हल्के से डार्क करना है, स्टार्टिंग में ही डार्क नहीं करना है, एकदम लाइटली डार्क करना है। पहले आपको 2B से डार्क करना है, फिर आपको 4B से। तो हम डार्क कर लेते हैं अब। मैंने यहाँ 2B का यूज़ करके हल्का हल्का इसे डार्क कर लिया है, और आप देख रहे होंगे जो लाइट पार्ट है उसको मैंने बिल्कुल नहीं छुआ और डार्क पार्ट को मैंने डार्क करा है। अब हम 4B का यूज़ करके उसे डार्क करेंगे, और आपको रेफरेंस पिक को ऑब्जॉर्व करना है। जितना आप ऑब्जॉर्व करोगे उतना ही आप अच्छे से और एक्यूरेट ड्रॉ भी कर पाओगे और शेड भी एक्यूरेट कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल ड्रॉ करना होता है, शेडिंग करना बहुत इजी होता है। तो आप ड्रॉ जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा आप ड्रॉ भी करोगे और फिर आप शेडिंग भी। तो ऑब्जर्व जितना अच्छा कर सकते हो उतना करें।
हमने 4B से डार्क कर लिया है और आप देख रहे होंगे ये रफ लग रहा है। अब इसको स्मूथ करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग करने के लिए। ब्रश से ब्लेंडिंग करने से आप देखोगे ये कितना सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम ब्लेंडिंग कर लेते हैं। यह हमने ब्लेंडिंग कर ली। आप देख रहे होंगे कि पहले कितना रफ रफ लग रहा था और अब ये कितना सॉफ्ट हो गया। अब मैं 8B का यूज़ करके इसे और डार्क कर लूँगा। तो अब हम इसे डार्क करते हैं। जो हमारे डार्क पार्ट है हम उन्हीं को डार्क करेंगे बस, बाकी के पार्ट को हम लाइट छोड़ देंगे। डार्क कर लिया है। तो डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव योर वर्क, टेक केयर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।